गुड मॉर्निंग। चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज उसमें हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे कि अब तक हमने पढ़ा था मॉडुलस, पोलर फॉर्म, आर्गुमेंट्स। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें चैप्टर्स में इक्वेशंस आपको गिवन होगी, उन्हें कन्वर्ट करना होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 3, अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि क्वेश्चंस देखनी होगी भी किस फॉर्म में। नॉर्मली हम दो तरीके से कर सकते हैं ट्रांसफर के। जैसे मैंने एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 को ट्रांसफर किया माइनस, अब मैं इसका रूट्स लूँगा बोथ साइड, क्या होगा रूट माइनस 3। माइनस आती है हम क्या करते हैं, जब माइनस एन हो तो रूट एन आयटा। ठीक है, तो क्या गया एक्स रूट की प्लस माइनस, ठीक है रूट 3 आयटा, ये इसका सॉल्यूशंस हो गया। और एक सॉल्यूशन होता है इक्वेशंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे 2x² प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है कि ax² जो हम क्लास 10th में पढ़ गए, बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो क्या होगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी, डिसइंक्रीमेंट है ना, 1 2 है। डी का मीन्स b² माइनस 4ac। ठीक है, तो ऐसे हम पुटअप कर सकते हैं। अब देखो x इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, माइनस 1 प्लस माइनस रूट b² 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 2 1 अपॉन 2 2, कितना आ जाएगा अपने पास, माइनस 1 प्लस माइनस के 7 आ गए, 8 में से 1 गया तो हो गया 4। माइनस को उठाने के लिए आयटा रूट 7 आयटा अपॉन 4। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, माइनस के 1/4 प्लस माइनस रूट 7/4 आयट। तो इक्वेशन सॉल्व कर दी हमने। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखो, सभी क्वेश्चन इसी टाइप के ऐसे ही आपको सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 2। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 गिवन है, प्रूफ करना है रियल नंबर z1 z2 रियल नंबर z1 z2 माइनस इमेजिंग z1 और z2, मतलब रियल पार्ट्स का मल्टीप्लिकेशन इमेजिंग पार्ट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। सबसे पहले z1 x1 आयटा y1, z2 x2 आयटा y2, z1 इंटू z2 इंटू कर दो इन नंबर्स को इन नंबर्स, तो x1 x2 आयटा x2 y1 आयटा x1 y2 आयटा स्क्वायर
y1 y2, तो क्या गया x1 x2 minus y1 y2 plus alpha x1 y2 x2 y1। तो अब इसमें रियल नंबर चाहिए आपको, तो रियल नंबर क्या आ गया आपके पास भी z1 और z2 का, x1 x2 minus y1 y2। x1 क्या था रियल नंबर z1, x2 रियल नंबर z2, y1 इमेजिंग नंबर z1 और इमेजिंग नंबर z2। प्रूफ, आज अपने ये चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको अपने बुक के क्वेश्चंस के एनसीईआरटी के प्रॉब्लम सोल्व आउट करनी है, ठीक है। जो कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हो, या फिर अपनी डाउट क्लासेस जब भी लगेंगी उसमें आप पूछ सकते हो, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर का आप समझ लो पूरा स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो हमने कहा था स्मॉल जेड से कॉम्प्लेक्स नंबर शो किया जाता है, एक्स प्लस आइटा वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, या इसकी पोलर फॉर्म होती है आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ठीक है। तो ये तो पोलर फॉर्म है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। मोड ऑफ जेड रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिंग नंबर्स का स्क्वायर, बोथ के एडिशंस का रूट्स। तो मोड ऑफ जेड सीधी बात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर्ग्यूमेंट्स टेन वाई अपॉन एक्स, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। थीटा में ध्यान नहीं रखना है, फर्स्ट में प्लस सेकेंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड में पाई माइनस थीटा का माइनस, फोर्थ में माइनस थीटा, ठीक है। ए एक्स और ए वाई, इनवर्स जेड इनवर्स जेड बार अपॉन मोड ऑफ जेड का स्क्वायर। मोडलेस मोड ऑफ जेड पता है, आर सी नोट करते हैं। यार अपने चैप्टर फिफ्थ कंप्लीट हो गया, अब आपको एक दो दिन जो भी प्रॉब्लम हो वो आप पूछ सकते हो। ओके बाय।